सो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड चैप्टर में हमने करेंट को, वोल्टेज को, ये सब चीज़ों को समझा। नाउ आज के सेशन में हम ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या है, उसका फॉर्मूला कैसा है, साथ ही साथ ओम्स लॉ में एक रेजिस्टेंस, कोई नया कांस्टेंट सुनने को मिलेगा, उस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उस रेजिस्टेंस को आप पढ़ोगे तो आपको एक और नया टर्म सुनने को मिलेगा, रेजिस्टिविटी, फिर उसको देखेंगे। तो ओवरऑल अपन एक अच्छा खासा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और बहुत कम लेक्चर्स में यार ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा कुछ टॉपिक है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। तो यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो यार चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्लास 10th का ओम्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस, रियोस्टेट और फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, और रेजिस्टिविटी, ये कुछ टॉपिक्स को अपन इस सेशन में आज खत्म करने वाले हैं। बट यार स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in से आप विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यार सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स भैया कौन थे, ओम्स भैया एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया था ओम्स लॉ, ठीक है। बहुत अच्छा लॉ है भाई, फिजिक्स को, फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप फ्यूचर में चल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो ओम्स लॉ बड़े अच्छे से आना चाहिए आपको, है ना। सो क्या कहता है ओम्स लॉ, पहले ये देखते हैं। तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। वेट करो, जैसे ये एक कंडक्टर है या कोई ये मान लो ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। इस कंडक्टर का ये पॉइंट को मैं बोलता हूं ए और इस पॉइंट को बोलता हूं मैं बी। तो कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट, यानी वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कह रहा है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग एट पर्टिकुलर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर जरूरी है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। यही कह रहा है, यही डेफिनेशन है और यही होता है हमारा ओम्स लॉ। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन, आप कोई पूछ, कोई नॉर्मली अगर मजाक मजाक में आपसे पूछा भाई ओम्स लॉ क्या होता है, तो बोलना सीधे कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, डायरेक्ट बोल देना, खत्म डेफिनेशन। अदरवाइज इतने अच्छे से डिटेल में आप इसके अकॉर्डिंग भी अच्छे से एग्जाम में तो अच्छे से लिखना, ठीक है। नाउ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ क्या हो जाएगा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यार बच्चा लोग, मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई चीज आपको डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब भी आपको दिखता है तो ये एक फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होता है ना हमेशा इक्वल टू में रहता है। तो जब अगर आपको इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू लानी होगी। तो अगर मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है तो मुझे एक कांस्टेंट लाना होगा और उस कांस्टेंट को मैं लिखता हूं यहां पे R से, तो बन गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। यही है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, वेयर आर इज द कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मटेरियल, ठीक है। अब यहां पे देखो, अभी रेजिस्टेंस को थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा फॉर्मूले को समझो। तो यार बहुत टीचर लोग, जब आप वाइवा प्रैक्टिकल देने बैठोगे, जब आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल हो रहा होगा वाइवा में, टीचर लोग इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं परेशान करने के लिए। तो यार आज सीख लो, काफी काम आएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वी इज इक्वल टू आई आर है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट एंड वोल्टेज इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या टीचर पूछते हैं कि मान लो करंट को अगर बढ़ाएं तो क्या वोल्टेज बढ़ेगा क्या। तो देखो, अगर देखा जाए तो वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हाँ अगर आप करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट को कम करोगे सर्किट में तो वोल्टेज भी सर्किट का कम होगा या वॉइस वर्सा।
ये पहले पूछेंगे आपसे, फिर कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे, अच्छा ये बताओ कि अगर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे देन वोल्टेज के साथ क्या होगा। कहेगा कि मान लो रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दिए हैं तो वोल्टेज क्या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या होगा। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू इसके कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो वोल्टेज भी कम होना चाहिए, या इसका वाइस वर्सा। तो लेकिन 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 बच्चा लोग, ये जो चीज है ये गलत है यार। तुम क्या ध्यान कहाँ है, आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, दुनिया में कहीं भी चली जाओ, अर्थ पे रहो, चाहे जुपिटर पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, मिल्की वे गैलेक्सी से हटके डॉर्फ गैलेक्सी में चले जाओ, मार्वल के गैलेक्सी में चले जाओ, थैनोस के गैलेक्सी में चले जाओ, कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यूज होती है ना, वो हर जगह सेम होती है, उसको चेंज या करने से कुछ नहीं होता है, उसकी वैल्यू हर जगह। तो आप वोल्टेज को कम करो चाहे ज्यादा करो, आर की वैल्यू जो है वही रहेगी, अर्थ पे या थैनोस के ग्रह पे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना जब भी कांस्टेंट की बात आता है। आपने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े होंगे जिसमें कांस्टेंट ऐसा लिखा, कहीं पे सी कांस्टेंट, कहीं पे आर कांस्टेंट, इस तरीके से। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है यार, कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि उसकी दुनिया में कहीं भी चले जाओ उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो टीचर कंफ्यूज करने के लिए कभी ऐसा पूछा तो रेजिस्टेंस से रिलेशन बनाया तो बोलना कि सर नेवर चेंज, बिकॉज रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू विल रिमेन और ऑलवेज विल बी अ सेम, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अब अपन जरा समझते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को कैसे समझें, तो जैसे रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या बच्चे लोग, रेजिस्टेंस यानी यार रोकना, मतलब यार मान लो कि आप सक्सेस कर रहे हो। अपन लोग एक डायलॉग करते हैं ना, जब भी इंसान सक्सेस की राह पे निकलता है उसको बड़ी परेशानी झेलना पड़ता है। अपन लोग ऐसी बातें पापा मम्मी से जरूर सुने होंगे, मूवी में भी देखे होंगे। जब भी इंसान सक्सेस की राह पे निकलता है या कोई अच्छा काम, कोई राइट अच्छा काम करने निकलता है, तो बहुत सारी अड़चने आती हैं, बहुत सारी अड़चने। तो जैसे ये बंदा देखो, ये जो एक बंदा है वो अच्छा काम करने चला है, ये चल रहा है अच्छा काम करने जा रहा है, बट ये बहुत लोग को ये चीज अच्छा नहीं लगता और काफी सारे अड़चन आ जाते हैं, उचार उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, काफी सारे उनके सामने ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब अड़चने हैं। तो ये बंदे को यार फिर चढ़ना होगा पहाड़, फिर नीचे उतरेगा, फिर चढ़ेगा, कितना थक जाएगा बेकार, लेकिन हार नहीं मानेगा, फिर भी वो आगे बढ़ेगा, थकते जाएगा, उसकी एनर्जी लो होती जाएगी, लो होती जाएगी। अब यहाँ पे वो 100% एनर्जी से चल रहा था, बट अड़चने जब आई तो उसकी एनर्जी तो कम होगी, बट बंदा हार नहीं माना, वो आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर आगे ऐसे समय आएगा कि ये जो अड़चने हैं कुछ दूरी तक ही रहेंगी, उसके बाद आप अगर इसको क्रॉस ओवर कर लोगे देन आप सक्सेस हो जाओगे। ये होता है सक्सेस की रास्ता। देन यहाँ पे जो बंदा निकलेगा उसकी भले, हाँ मानता हूँ उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मानता हूँ उसकी एनर्जी 70% हो जाएगी, बट एक जोश जो है उसके अंदर अगेन उसको फुलफिल कर देगा, अगेन उसकी एनर्जी जब देखेगा कि यार मैं सक्सेस मिल गया, देन वो 100% जो एनर्जी लेके चला था ना वो 4 गुना हो जाएगा, 400% एनर्जी फिर निकलेगी उसके अंदर से। तो ये जो अड़चन है, ये जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये जो रास आपके अच्छे काम में जो अड़चने आई, इसी को ही रेजिस्टेंस कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेचारा करंट, बताओ बड़े आराम से इसकी स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है और उसके आगे आप रेजिस्टेंस लगा दिए तो फिर दिक्कत नहीं होगा इसको बेचारे को, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर उसको एनर्जी तो डाउन होगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब मान लो जो यहां से यहां पहुंचने में जो उसको 2 सेकंड लग रहा था, अब उसको इस अड़चन की वजह से अब क्या लगेगा, अब उसको 10-1 मिनट लग जाएगा। दैट इज रेजिस्टेंस, प्रॉब्लम इज रेजिस्टेंस, एक तरह का प्रॉब्लम है, बट ये काफी सारे इक्विपमेंट्स के लिए, कुछ जगहों के लिए काफी वरदान है हमारे लिए जी, कैसे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ये फिगर बड़ा अच्छा फिगर है कि वोल्टेज का काम क्या होता है, V इज इक्वल टू V है, I है और R है ओम्स लॉ में। वोल्टेज का काम क्या रहता है, करंट जो है करंट को क्या करता है, पुश करता है। देखो ये बंदा का ये वोल्ट जो वोल्टेज है वो करंट को लात मार रहा है, इसको बोल रहा है कि आगे बढ़, तो ये भाई आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कि वोल्टेज हमेशा क्या करता है, वोल्टेज यानी आपके पापा मम्मी हमेशा आपको फोर्स करते हैं बेटा आगे बढ़, आपको सक्सेस के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं, ये आपका मेंटर या आपका टीचर या आपका पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट कर रहा है, दैट इज वोल्टेज। और ये करंट आप हो जो कि आगे बढ़ रहे हो, और ये ओम्स आपके गलत दोस्त है ना, या गंदी आदतें, ये हैं आपके ओम्स, ये हैं ओम्स। किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, दैट इज रेजिस्टेंस। ये आपको रोकने की कोशिश करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन आपके मोटिवेटर टीचर आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। अगर आप इस चुंगल से निकल गए तो आप सक्सेस हो जाओगे, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इस तरीके से नॉर्मल चीजों से अगर फिजिक्स को रिलेट करते हुए आगे चलोगे ना बच्चा लोग, ये बड़ा आसान है, फिजिक्स इतना टफ नहीं है,
ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को ये याद नहीं होता, जैसे तो याद एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बना लो, ऊपर में वी और नीचे आई आर लिख लो। अगर वी का फॉर्मूला आपको चाहिए तो वी को गोला बना के वी को मतलब ढक दो, आई आर बचा, आई और आर साथ में है यानी मल्टीप्लाई में है, लाइक तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो अगर आई का फॉर्मूला चाहिए तो आई को ढक दो, तो ऊपर वी और नीचे आर है तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। आर का फॉर्मूला चाहिए तो आर को ढक दो तो वी अपॉन आई, तो आर इज इक्वल टू ऊपर वी है नीचे आई है। तो ये कुछ तरीका है याद करने का, बट जरूरत नहीं पड़ता भाई, अब तो भाई सीधे यही याद करना। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस को और समझते हैं। रेजिस्टेंस को आर से हम डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस और देखेंगे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है, हर बॉडी में कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी रहती रहती है, हर बॉडी में रहती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, हर बॉडी के अंदर, हर कोई भी इंसान, हर इंसान के अंदर छोटी सी बुराई रहती है, कितना भी अच्छा काम कर ले उसके अंदर इतनी सी बुराई बची जाती है ना, वो कभी फटकी निकलता है लाइक दैट। तो हर बॉडी, हर कंडक्टर, हर इंसुलेटर, हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस रहता है, जो कि क्या करता है, रेजिस्ट करता है चार्ज को यानी करंट को फ्लो करने में। जब उसके अंदर से करंट फ्लो होती है तो उसको रोकने की कोशिश करता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो जब भी करंट एक ऐसी चीज है ना, करंट इज एक तरीके का एनर्जी है, तो अगर इसको आप रोकने रोकने की कोशिश करोगे तो ये अलग अलग फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। बहुत सारे करंट के बड़े खतरनाक चीज है करंट भाई, इसको रोकना मत। अगर रोकने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा अपने अंदर से, कुछ देर बाद पता चला कि मेल्ट हो गया आपका कंडक्टर है ना, इतना ज्यादा हीट हो गया, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने लगा, आसपास की चीजों को खींचने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो करंट को भैया रोकने की कोशिश मत करना। तो यार जब भी जहां भी रेजिस्टेंस जिस मटेरियल में ज्यादा होती है आप देखोगे वहां पे हीट बहुत पैदा हो रहा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इस तरीके से इसका इसको इस तरीके से बनाया जाता है लाइक दैट, इसकी यूनिट इस तरीके से है ना, ओम्स, एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, 1 ओम में 1 वोल्ट और 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना ओम, देखो वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो रेजिस्टेंस को एक तरफ रख दो तो बन जाएगा वी अपॉन आई है ना, तो वी का वोल्ट और आई का एम्पियर। तो 1 रेजिस्टेंस ओम यानी 1 ओम, 1 ओम इज हाउ मच, 1 वोल्टेज अपॉन 1 एम्पियर, यही तो है। ठीक है ना, वेन अब इसको लैंग्वेज में देखो कैसे लिखते हैं, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज ए 1 वोल्ट हो, एंड करंट थ्रू द सर्किट, जो करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में वो भी 1 एम्पियर हो, देन द रेजिस्टेंस जो होगा वो भी 1 ओम होगा। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। एक कॉमन डे टू डे लाइफ में रेजिस्टेंस दिखा देता हूं कैसे लगा रहता है। तो ये देखो आपका घर में जो ठंड में हीटर सेकते हो, हीटर के अंदर जो वायर्स लगे रहते हैं जो काफी हीट करता है, या फिर बल्ब के अंदर ये देखो ये रेड वाला फिलामेंट, दैट आर द रेजिस्टेंस। ये इस तरीके से है यानी पहाड़ अप डाउन करंट जाएगा जाएगा, तो करंट को ऊपर नीचे करना होगा, तो करंट को जितना रोकने की कोशिश करोगे तो ये देखो कितने बार राउंड हो रहा है, जितने करंट को रोकने की कोशिश करोगे वो इतना हीट एबल होगा, और यहाँ पे बल्ब में हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट मिल रहा है आपको। ठीक है, अब आगे देखो भाई और कुछ एग्जाम्पल देखो, रियल में इस तरीके का होता है रेजिस्टेंस है ना, इस तरीके का, इसमें रेजिस्टेंस के ऊपर ना कलर कोडिंग होती है, रेड कलर इस तरीके के सर्कल, देखो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर और रेड कलर बना, यहाँ पे देखो रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू, यहाँ पे देखो ग्रीन रेड, तो ये कलर्स जो है ना वो कलर्स देख के आप पहचान सकते हो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ये अभी जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर में 11th 12th में पढ़ोगे, चिंता मत करो, कलर देख के रेजिस्टेंस, ये देखो यही एक्चुअल में ऐसे ही रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जो कलरिंग है ना इस ये कलर, हर कलर का एक अपना कोड होता है, उस कोड के हेल्प से आप बता सकते हो देख के कि यार ये रेजिस्टेंस रजिस्टर जो है ये कितने ओम का है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक होता है रिहोस्टेट, बच्चा लोग देखो रिहोस्टेट ये होता है, एक होता है रिहोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। सेम वोल्टेज आ रहा है बस, अब ऐसा कोई डिवाइस जो मान लीजिए कि ये सर्किट है, इस सर्किट से वायर आपने लाया है तो 220 वोल्ट आ रहा है और मान लीजिए 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो अब यहां पे जो इक्विपमेंट होगा तो उसको कितना मिलेगा भाई, उसको 220 वोल्ट और 5 एम्पियर करंट मिलेगा है ना। बट आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस चेंज करना, आप अगर अगर यहाँ पे बीच में अगर आप कोई रेजिस्टेंस लगा दोगे, मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे, तो देन यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी कम हो जाएगी है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी कम हो जाएगी, फिर आप इसको हटाकर फिर आप 4 एम्पियर का लगा दो और एनर्जी कम हो जाएगी, इसको हटा के 10 एम्पियर का लगा दो और एनर्जी कम हो जाएगी है
है ना, बट आपको बार बार अपने सर्किट को खोलना लगाना पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस लगाओगे तो एक होता है डिवाइस रिहोस्टेट। अगर ये होता है रिहोस्टेट, एक सर्किट यहाँ लगा दो, एक इधर लगा दो, ये होता है रिहोस्टेट। इसका अपर वाला पार्ट है ना, इसको आप मूव कर सकते हो, इधर और उधर मूव कर सकते हो। इसको मूव करने से ना रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे ये फर्स्ट लेयर मान लो जीरो ओम, ठीक है, ये सेकेंड लेयर इसका जो है, इसको इस पर टच कराओगे तो 1 ओम देगा, इसको इस पर टच कराओगे तो 5 ओम, इस पर टच कराओगे तो 10 ओम। तो इसको मूव करने से इस तरीके से सर्किट की रेजिस्टेंस भी चेंज होती रहती है ना। अपना फैन, फैन में जो आप रेगुलेटर यूज करते हो, जो रेगुलेटर यूज करते हो, वो भी तो एक तरीके का रिहोस्टेट है। रेगुलेटर को आप घुमाते हो तो फैन की स्पीड कम ज्यादा होती है। तो क्यों कम ज्यादा होती है? क्योंकि करंट और वोल्टेज, करंट की जो सप्लाई है, वोल्टेज की सप्लाई कम ज्यादा हो रही है ना, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस रिहोस्टेट, है ना। तो यही इसका यूज है। आपको आई थिंक ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। आगे है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए, V इज इक्वल टू आई आर जो देखा था उसमें बताया था, ये जो रेजिस्टेंस है वो ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्योंकि इस फॉर्मूले में जो R है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह सेम होती है। तो यार फिर ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वही देखने वाले हैं। ये डिपेंड करता है, तो एक्चुअली रेजिस्टेंस का एक दूसरा फॉर्मूला दिखा जाए तो ये होता है रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रो बोलते हैं इसको, आर एच ओ रो इस सिंबल है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी अभी पढ़ेंगे हम रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, ठीक है। रो एल अपॉन ए, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे आपने एक वायर लिया तो उस वायर का लेंथ कितना है भाई, और उस वायर की क्रॉस सेक्शन कितना है, उस वायर का क्या सर्कुलर वायर है तो उसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन की एरिया कितना है ना, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। तो इसके ये एक्चुअल रेजिस्टेंस का ये भी एक फॉर्मूला होता है भैया, याद रखना बड़ा काम आएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो चलो देखते हैं डिपेंडिंग किस पे करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। सबसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगी, जितना रेजिस्टेंस कम होगा और लेंथ भी कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया इन्वर्सली है तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एरिया कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्किट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है यार, टेम्परेचर कितना है बॉडी का उस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये जो आप जो कंडक्टर लिए हो, ये कंडक्टर कौन से मटेरियल का है, आयरन का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किसका है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, रेजिस्टिविटी को जरा देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी को यार अपन रो, आर एच ओ रो से डिनोट करते हैं, रो बोला जाता है इस साइन को, रेजिस्टिविटी क्या होता है। नाउ इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। कोई मटेरियल है उसके अपोजिट फेस से जो करंट फ्लो हो रहा है इसी का कह रहा है, ठीक है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है, कितने सरफेस से तो लाइट निकल रहा है तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रो, ठीक है, एसआई यूनिट ओम मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का। और इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड, ठीक है, मटेरियल का साइड का क्यूब दैट इज 1 मीटर हो व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। इसके इससे करंट जब परपेंडिकुलर फ्लो होता है सरफेस, इन दैट केस That is the resistivity of that material, ठीक है। Now resistivity does not change with change in length or area of cross section, but it change with changing in temperature. ध्यान रखना इसको, range of resistivity of metal and alloy, metal और alloy की resistivity range देख लो, ये आता है 10^-8 से लेके 10^-6 ओम मीटर तक रहता है metal और alloy में resistivity की range। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर की भी रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड लेंथ एंड मटेरियल और क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी रेंज है 10^12 से लेके 10^17 ओम मीटर के बीच में रहता है। आगे बात करें, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल। अगर आप किसी मेटल का रेजिस्टिविटी देखोगे, और एलॉय क्या होता है, काफी सारे अलग अलग मेटल से मिलकर एलॉय बनते हैं, और उसका रेजिस्टिविटी देखोगे तो हमेशा ज्यादा होगा,
एलॉय मेटल के रेजिस्टिविटी से हमेशा ज्यादा होगा हमारा किसी एलॉय की रेजिस्टिविटी, इसको ध्यान में रखना। आगे हैं, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग, जब एलॉय को आप बर्न करते हो तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि काफी सारे मेटल से मिलके बना है तो एक अलग ही प्रॉपर्टी कैरियर करता है, ठीक है। रैपिडली एट हाई टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हम इसका यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम एक एलॉय है, ठीक है। इसका यूज करते हैं कहाँ पे, हम हीटर्स में यूज करते हैं, आप जो ठंड में हीटर आप यूज करते हो अपने आप को सेकने के लिए, दैट इज नाइक्रोम, एलॉय से बना हुआ है, पर्टिकुलर किसी एक सिंगल मेटल से नहीं है। सिंगल मेटल से होता उसकी एक मेल्टिंग पॉइंट होती, हीट होता, मेल्ट हो जाता, बट काफी सारे अलग अलग मेटल से मिला है तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैंडल करती है, जिसकी वजह से उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाती है और रेजिस्टिविटी भी, ठीक है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, कम इनकी रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह में कॉपर और एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं। ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा तो हमारा घर का वायर गर्म हो जाएगा, है ना, नॉर्मल टीवी चलाने से गर्म हो गया और फिर आग लग गई, तो रेजिस्टिविटी जिसकी जितनी कम होगी ना वो उतना अच्छा मटेरियल होगा, मतलब उतने आसानी से करेंट फ्लो होगा, उतना कम हीट डेवलप होगा। रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हीट डेवलप करेगा, उतना कम करेंट फ्लो होगा, ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना। सो यार वीडियो को यहाँ पे अपन एंड करते हैं, आई होप ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।